आज के इस करेंट अफेयर्स में हम 123 बेहतरीन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखिए, किसी प्रकार का दावा नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो चुनिंदा और बेहतरीन प्रश्न है जो आपकी आगामी BEO की परीक्षा, इसके अलावा RO और UPPSC, तीनों ही UPPSC जो प्रीलिम्स होने वाला है अक्टूबर में, तीनों ही परीक्षाओं के लिए बड़ी मददगार ये सीरीज आपकी साबित होगी। तो पहला लेक्चर ये है जिसमें मैंने फरवरी 2020 तक के करंट अफेयर्स की चर्चा की है। इसके बाद एक और लेक्चर आपको प्रोवाइड होगा जिसमें मार्च से जुलाई 2020 तक के करंट अफेयर्स की चर्चा होगी। तो सबसे पहला देखते हैं 8 अफ्रीकी देशों की साझा मुद्रा का नाम ईको, इसके बारे में आगे भी मैं थोड़ा बताऊँगा। फिर आगे चलते हैं गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार का प्रारंभ हाल ही में किस देश ने किया है, तो पुर्तगाल ने। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, 21 मई को। अगला है कि नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था, तो अंधाधुन को मिला था। फिर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या रहा, तो 112वां स्थान रहा। अगला है कि मिस वर्ल्ड 2019 कौन, तो टोनी एन सिंह चुनी गई थी। ध्यान रखिए कि आप साथ साथ अच्छे तरीके से इसको पढ़िए और याद करते हुए भी चलिए, जरूरी हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जो बहुत जरूरी हो तो थोड़ा बहुत लिख भी सकते हैं। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब प्रदान किया गया, तो रानी रामपाल, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। इसके बाद है कि अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, तो क्रिस्टीना कोच रही, ये 328 दिनों तक रही, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला है कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस CDS कौन बनाए गए हैं, तो बिपिन रावत बनाए गए हैं देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस। अगला है कि वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता, तो कोनेरू हम्पी ने जीता, ये भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, आंध्र प्रदेश के गोदीवाड़ा क्षेत्र से संबद्ध हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था, तो 40वां था। अगला है कि शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन है, तो USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और शीर्ष शस्त्र आयातक देश यानी मंगवाने वाला, तो ये सऊदी अरब है, भारत का सेकेंड स्थान, दूसरा स्थान है इसमें। अगला है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार रक्षा पर खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान 5वां है। इसमें पहले स्थान पे USA, फिर चीन, फिर सऊदी अरब और उसके बाद रसिया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज 2019 की ये रिपोर्ट है। अगला है कि 17 फरवरी को जारी एक रिपोर्ट पावरिंग द इकोनॉमी विद हर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया के तहत भारत में महिला स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा 2030 तक 150 से 170 मिलियन रोजगार सृजन की संभावना है। यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है, तो यह रिपोर्ट बेन एंड कंपनी और गूगल द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। इसके बाद से फरवरी 2020 में जारी रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, तो 35वां स्थान है। यह रिपोर्ट द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया। इसके बाद है 26 फरवरी 2020 को जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ, तो जेफ बेसोज को प्राप्त हुआ, जो अमेजन से संबद्ध यानी अमेजन के संस्थापक हैं। इसके बाद है क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत दुनिया में किस क्रम की अर्थव्यवस्था है, तो 5वीं अर्थव्यवस्था है। UK यानी इंग्लैंड और फ्रांस को पछाड़कर ये 5वीं क्रम की अर्थव्यवस्था बनी। इसके बाद से 28 फरवरी 2020 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता मैक्सिको ओपन 2020 के पुरुष एकल के विजेता कौन रहे, तो स्पेन के राफेल नडाल, जबकि उप विजेता टेलर फ्रिजे थे जो कि यूएसए के हैं। तो इसके बाद है कोरोना वायरस के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। ये वुहान शहर में दिसंबर में चीन में सबसे पहले इसे देखा गया था। WHO द्वारा इससे जो बीमारी हो रही है उस बीमारी का नाम COVID-19 रखा गया। कोरोना एक परिवार है वायरस का, जबकि WHO ने इसका आधिकारिक नाम 2019 nCoV दिया, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। वुहान के बाद सर्वाधिक मामले लिम्बाटी इटली में देखे गए हैं। सबसे पहला भारत में केस केरल में दिखाई दिया, सबसे पहले आपातकाल केरल ने ही लगाया था कोरोना को देखते हुए।
कोरोना का फुल फॉर्म है सीओ से कोरोना, वीआई से वायरस और डी से डिजीज। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये ताज यानी क्राउन जैसी संरचना दिखाई देती है। इसके बाद है कि कोरोना शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है। अमेरिका ने दो दवाओं को मंजूरी दी है कोरोना के उपचार हेतु, एक हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन दवा और एक एजिथ्रोमाइसिन दवा। इसके बाद है झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने, तो हेमंत सोरेन बने, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंध रखते हैं। फिर है भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ सबसे पहले एयरटेल ने की है। अगला है कि चांदीपुरा वायरस का कहर कहाँ था भारत में, तो गुजरात में। चांदीपुरा वायरस के बारे में आपको और जानकारी इंटरनेट पर देखनी चाहिए, गूगल पर। फिर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान, यह 2019 में जारी हुई थी, भारत का स्थान 9वां है 2019 में, यानी जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 था उसमें भारत का स्थान 11वां था। इसके बाद है कि ऋषि सुनक वित्त मंत्री कहाँ के बनाए गए हैं, तो ब्रिटेन के बनाए गए हैं। फिर हज प्रक्रिया को 100% डिजिटल करने वाला पहला देश भारत है। फिर 33वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन इथियोपिया में हुआ। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी अटल नगर है, पहले इसका नाम रायपुर था। इसके बाद है मानव विकास सूचकांक जो 2019 की रिपोर्ट आई, उसमें भारत का क्या स्थान है, 129वां स्थान है। फिर सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन बनी, तो सना मारिन बनी है, फिनलैंड की प्रधानमंत्री, महज 34 वर्ष में। इसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। फिर है प्रथम ईट राइस स्टेशन कहाँ ये स्थापित हुआ, तो मुंबई सेंट्रल पर। फिर भारत की 24वीं महालेखा परीक्षक नियंत्रक परीक्षक कौन बनी है, कैग, तो सोमा राय वर्मन। फिर है WHO द्वारा वर्ष 2020 को किस रूप में घोषित किया गया है, तो ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में। फिर विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को। राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन भारत में कहाँ किया गया, मध्य प्रदेश में, FATA जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से जाना जाता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, काफ़ी ये चर्चा में रहा, तो पेरिस में मुख्यालय है, फ्रांस में। 1989 में इसका गठन किया गया था, इसने पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा है। इसके बाद है विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, मंदारिन जो कि चीन की भाषा है। फिर अंग्रेजी और तीसरे नंबर पर हिंदी। इसके बाद है कि सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 यानी स्थिरता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है, तो 77वां स्थान है, नॉर्वे पहले स्थान पे था। WHO, UN और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके बाद है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तो यह अहमदाबाद में बना है। फिर भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति राधा किशन दमानी बने हैं, पहले अनिल अंबानी आप जानते हैं। फिर है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन लद्दाख में। फिर UN जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में। फिर प्यार का पौधा अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया है, बिहार ने। इसके बाद है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया, तो 13 दिसंबर को मनाया जाता है। इंद्रधनुष ये भारत और ब्रिटेन के मध्य संयुक्त वायुसेना अभ्यास है, जो कि उत्तर प्रदेश के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर हुआ है। इसके बाद है अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, ये रूस ने इसका परीक्षण किया है। फिर है भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा, तो ये फाजिल नगर कुशीनगर में 15 जनवरी 2020 से इसमें एडमिशन की शुरुआत, नामांकन की शुरुआत हो गई है। इसमें प्रारंभिक यानी कक्षा 1 से लेकर फिर PhD तक की व्यवस्था की गई है। इसके बाद है कि मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया। फिर मधु ऐप यानी ई लर्निंग ऐप ओडिशा में, ये ऐप ओडिशा का है जो कि ई लर्निंग ऐप है। फिर पुरुषों के इंटरनेशनल वनडे की पहली मैच रेफरी, इसको सही कर लीजिएगा, पहली मैच रेफरी, तो GS लक्ष्मी, आंध्र प्रदेश। फिर याडा वायरस, ये जानवरों में जो फैला था ये ऑस्ट्रेलिया में बड़ा चर्चित रहा, ऑस्ट्रेलिया में ये फैला। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2020 को जो प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाता है, इस बार की थीम क्या रही थी, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं। इसके बाद है पर्सन ऑफ द ईयर 2019 टाइम पत्रिका द्वारा जो जारी होता है, तो ये पर्सन ऑफ ईयर 2019 कौन, तो ग्रेटा थनबर्ग। फिर इसके बाद मिस यूनिवर्स 2019 किसे चुना गया, तो जोजीबिनी टुंजी को। फिर पुरुषों के इंटरनेशनल वनडे की पहली मैच रेफरी, ये पहले भी हुआ है, GS लक्ष्मी, आंध्र प्रदेश। 47वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनाए गए हैं, तो शरद अरविंद बोबड़े। इसके बाद है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का
अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो महंत नृत्य गोपाल दास को। रंजन गोगोई ने ये निर्णय सुनाया था श्री राम जन्मभूमि को लेकर, जो उस समय न्यायाधीश थे। एक एक जो भी सामने लिखा हुआ है इसको आप पढ़िए और अच्छे से ध्यान रखिए। इन्हीं के रिटायर होने के यानी पद से हटने के बाद से फिर 47वें सीजीआई बनाए गए थे। क्रम याद रखिएगा आप। फिर है वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो 76वां स्थान रहा। 82 देशों में पहला स्थान डेनमार्क का था। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद है कि जनवरी 2020 में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर तो लुंगलेई मिजोरम है, जबकि सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर तो झरिया जो कि झारखंड का है। इसके बाद है राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, दोनों एक ही दिन मनाया जाता है 24 जनवरी को। फिर प्रथम पशु युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित हुआ भारत में पहला? तो ये मेरठ में, तो ये कारगिल युद्ध को लेकर हुआ है। फिर इसके बाद से आईसीसी 2019 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार रोहित शर्मा को, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पेट कमिंस को जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और प्लेयर ऑफ द ईयर बेन स्टोक जो कि इंग्लैंड के हैं उन्हें मिला है। इसके बाद से K9 वज्र टोप की 51वीं यूनिट सेना में शामिल की गई है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया? L&T ने। फिर है 29वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो वासुदेव मोही को मिला है 29वां सरस्वती सम्मान। ये सिंधी भाषा के लिए उनके लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए मिला है वासुदेव मोही। इसके बाद है यूरोपीय संघ के सदस्य कौन से नहीं है? तो हाल ही में ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड इससे अलग हो गए हैं, महत्वपूर्ण है। इसके बाद है 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि, 26 जनवरी 2020 को 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो जाइर मेसियास बोल्सनारो, तो जाइर मेसियास बोल्सनारो ब्राजील के राष्ट्रपति तत्कालिक समय के। फिर कोब ब्रायंट का हेलीकॉप्टर हाल ही में विमान दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर विमान दुर्घटना में इनका निधन हुआ। तो ये कोब ब्रायंट बड़े ही प्रसिद्ध खिलाड़ी कहाँ के? अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। इसके बाद है सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। फिर रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिखाइल मिशुस्टिन बने हैं। फिर इसके बाद G-SAT-30 उपग्रह Ariane 5 रॉकेट द्वारा ये फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया है। इसके बाद से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की? उत्तर प्रदेश ने। फिर है विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को। फिर CRPF के नए महानिदेशक आनंद प्रकाश महेश्वरी। इसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में पहला स्थान जापान को, भारत का 84वां स्थान। फिर डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 जो कि शाहजहां में यानी UAE में आयोजित हुआ, उसके विजेता भारत रहा और जबकि उप विजेता पाकिस्तान। इसके बाद है 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा किस कंपनी ने की? माइक्रोसॉफ्ट ने। ICC Under-19 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में हुई। फिर SBI के नए MD कौन बनाए गए हैं? चल्ला श्रीनिवासुलू चेट्टी। इसके बाद हरीश सालवे कहाँ के वकील, किसके वकील बने हैं? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के। फिर है मोहम्मद तौफीक अलावी कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं फरवरी 2020 में? तो इराक के। फिर नसीम शाह जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज होने का खिताब हासिल किया है। इसके बाद है उड़ान के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य ने शुरू की? उत्तराखंड ने। फिर RBI द्वारा जारी मनी ऐप किसके लिए है? ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। फिर जनरल कासिम सुलेमानी जिन काफ़ी चर्चा में ये नाम रहा, तो ईरान कुड्स फोर्स के कमांडर थे जिनकी ड्रोन हमले में, अमेरिका द्वारा ड्रोन हमले में मृत्यु हुई। इसके बाद है कि हसन दियाब ये लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। फिर लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये दिया जाता है, किसे मिला है? कुलदीप सिंह को। फिर कर्म योद्धा ग्रंथ किसकी जीवनी है? नरेंद्र मोदी जी की जीवनी है, प्रधानमंत्री भारत के। फिर इसके बाद BJP के नए अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बनाए गए हैं 2022 तक के लिए। फिर 2020 में पद्म भूषण सात लोगों को मिला, पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 16 और पद्मश्री पुरस्कार 118 लोगों को मिला। कुछ प्रमुख पद्म विभूषण जिन लोगों को मिला वो देखते हैं, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस और स्वामी विशेष तीर्थ, इन 4 लोगों को मरणोपरांत मिला, जबकि पंडित छन्नू लाल मिश्रा और अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को भी ये पुरस्कार दिया गया इस साल। इसके बाद कुछ प्रमुख पद्म भूषण जो कि वेणु श्रीनिवासन उद्योगपति TVS मोटर के ये
मेन यानी एमडी हैं, फिर पीवी सिंधु को ये पुरस्कार मिला, मरणोपरांत मनोहर पर्रिकर जी को मिला और आनंद महिंद्रा को पद्मभूषण 2020 का पुरस्कार मिला। इसके बाद पद्मश्री 2020 जहीर खान, कंगना रनावत, करण जौहर, अदनान सामी, अब्दुल जब्बार जिन्हें मरणोपरांत दिया गया, फिर जीतू राव जो कि निशानेबाज, फिर रानी रामपाल हॉकी से संबंध रखती है। तो इस तरीके से पद्मश्री पुरस्कार इन महत्वपूर्ण लोगों को मिला है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऑप्शन देकर। इसके बाद है कि गगनयान मिशन के लिए कितने भारतीयों को रूस में प्रशिक्षण के लिए चुना गया है, तो 4 भारतीयों को। अगला है कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी को दुनिया के 8 अजूबों में शामिल किया गया है, तो ये किसने शामिल किया, SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने शामिल किया। आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा बनाई गई है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद से स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य किस राज्य ने किया, महाराष्ट्र ने। फिर परीक्षा पे चर्चा 2020 का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। इसके बाद है दल दक्षता रिपोर्ट में पहला स्थान किसे मिला है, तो गुजरात को। फिर है 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन लखनऊ में हुआ। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में प्रथम स्थान तो ये बाबर आजम को मिला था, पाकिस्तान के हैं। इसके बाद होर्मुज शांति पहल जिसमें भारत ने भाग लिया था 2020, ये कहाँ पे हुआ, तेहरान ईरान में। इसके बाद ICC Under-19 विश्व कप का विजेता बांग्लादेश रहा, जबकि उप विजेता भारत रहा। इसके बाद ICC वुमेन चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने जीती। फिर BCCI द्वारा पॉली उमरिगर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। फिर ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ल्ड ऑफ 2019 में कौन सा शब्द शामिल हुआ है, तो ये संविधान है। फिर आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाई गई हैं, कौन कौन, अमरावती जो कि विधायी लेजिस्लेटिव राजधानी है, जबकि विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी बनाई गई है। इसके बाद बापू नाथ कल्डी जो कि काफी ये खेल से चर्चित रहे थे, उनका निधन हुआ, किस खेल से संबंधित थे, तो क्रिकेट से। ये गेंदबाज थे, इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 21 मेडल ओवर फेंका था। इसके बाद है कि ग्लोबल गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब किसे मिला, तो 1917 को। ये 1917 प्रथम विश्व युद्ध में 2 सैनिकों की कहानी पर आधारित है ये मूवी। फिर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने, और महिला एकल का सोफिया कैनिन ने। इसके बाद है डेफ एक्सपो 2020 मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, तो ये 11वें डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 फरवरी को किया गया। इसके बाद है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 जो 16वीं जारी हुई है, उसके अनुसार ये रिपोर्ट 30 दिसंबर 2019 को केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की। यह प्रत्येक 2 वर्ष बाद जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.67% पर वन है, जबकि कि अगर वृक्ष की बात करें तो 2.89% पर। कुल मिलाकर कुल वन और कुल वृक्ष से आच्छादित भारत का जो क्षेत्र है वो 24.56% है और 33% क्षेत्रफल पर भारतीय मानक के अनुसार होना चाहिए। एक बात याद रखिए, अगर आपके प्रश्न में पूछे केवल कि वन से आच्छादित कितने भारत में भौगोल ये क्षेत्रफल है कितना, तो आपका सही उत्तर होगा 21.67 यानी 21.67%। इसके बाद है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है 1025 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य, तो मध्य प्रदेश है, जबकि प्रतिशतता के हिसाब से मिजोरम है। इसके बाद है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR, इसका फुल फॉर्म नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। NPR में देश के सभी निवासियों से संबंधित बायोमेट्रिक तथा जनसांख्यिकी डाटा एकत्रित किया जाएगा। अगला है 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया, यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाया जाता है। फिर 8 अफ्रीकी देशों ने अपनी साझा मुद्रा CFA फ्रैंक का नाम बदलकर क्या रखा है, ईको रखा है, सबसे पहले मैंने इसकी चर्चा की। इसके बाद है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष 24 भाषाओं में वार्षिक ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो साहित्य अकादमी संगठन की स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। हिंदी भाषा के लिए इस वर्ष यह पुरस्कार नंद किशोर आचार्य द्वारा लिखित चिल्लाते हुए अपने को जो कि एक कविता है प्रदान किया गया। इसके बाद है मैड्रिड में COP 25 का आयोजन हुआ, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है।
इसके बाद है कि G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कहाँ होगा 2020 में, सऊदी अरब में होगा, नवंबर 2020 में, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। सऊदी अरब आप जानते हैं एक सुन्नी प्रधान देश है, सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। फिर विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 63वें स्थान पर पहुंच गया है, ये 2020 की रिपोर्ट है, जबकि 2019 की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या था, तो 77वां स्थान था। इसके बाद शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया, तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को प्रदान किया गया। इरिट्रिया के साथ 20 वर्षीय युद्ध को समाप्त करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया, तो डेविड स्टेनबरो को, जो कि ब्रिटेन से संबंध रखते हैं। इस तरीके से 123 बेहतरीन प्रश्नों की चर्चा की, ये मार्च फरवरी तक का पूरा हुआ। अब इसके बाद एक और लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर, ये पूरा जो भी हमारा 123 प्रश्नों की सीरीज थी, पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।